देखिए, बिलीव मी, इसमें आपको एरर को फाइंड करना था कि इस पार्ट में एरर है। तो देखिए, बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड। अब देखिए, इसमें आपको एक मिस्टेक नज़र आ रही होगी, बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। अच्छा, बी पार्ट के अंदर क्यों है? क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि ये जो बिलीव होता है ना, बिलीव मतलब विश्वास करना, इस विश्वास करने में कभी भी हम ING का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अब आप बोल सकते हैं, जैसे मैं विश्वास करता हूँ, तो आप बोल दीजिए आई बिलीव यू, आई बिलीव यू बोल दीजिए ना। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास कर रहा हूँ, आप ये बोलना चाहें तो आप बोलेंगे आई एम बिलीविंग यू, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बिलीव एक ऐसी वर्ब है जिसमें कि हम ING का यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो बी ऑप्शन में इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, दूसरा है एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें एरर आपको नज़र आ रही होगी, एरर इसके ए पार्ट के अंदर है। अब ए पार्ट में क्यों है? क्योंकि ये देखिए, सन, सन माने सूर्य, और जो भी कोई यूनिक चीज़ होती है, यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, जो अपने आप में अजीब, यानी मतलब सिर्फ वो ही हो, उसके शिवाय दूसरा नहीं हो। अब देखिए, सन है, तो इससे पहले हमें क्या यूज़ करना होता था? दा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारे ए ऑप्शन में मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है? जैसे सन है, मून है, स्टार है, कोई भी डायरेक्शन है, तो उन सबसे पहले देखिए, जैसे ईस्ट है, अब ईस्ट एक जो पूरब डायरेक्शन होती है वो तो एक ही होती है ना, इसका दूसरा तो कंडीशन नहीं बन सकता। तो इसलिए जो भी अपने आप में यूनिक होती है, वो सबसे पहले हमें दा का यूज करना होता है। तो देखिए, इसमें ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एमिनेंट, एमिनेंट का आपको सिनोनिम्स बताना था, और एमिनेंट का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र का जो बहुत फेमस व्यक्ति होता है, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसे बोलते हैं हाँ इल्यूस्ट्रियस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। जैसे मान लीजिए आप सिंगर हैं, तो आप अपने सिंग जो आप सिंगिंग करते हैं उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, तो उसको बोलते हैं इल्यूस्ट्रियस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इंजीनियस ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि जो इसका मतलब होता है वो होता है ऐसे कोई बुद्धिमानी को हम बोलते हैं, जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसे इंजीनियस बोलते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है देखिए, मैटिकुलस, मैटिकुलस का आपको उल्टा, यानी कि आपको ऑपोजिट बताना था। देखिए, मैटिकुलस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में बहुत केयरफुल हो, केयरफुल, तो इसका हो जाएगा केयरलेस पर्सन, राइट ना? आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एड फ्यूल टू द फ्लेम, यानी फ्लेम का मतलब होता है जहाँ पर आग जल रही हो। अब जहाँ पर आग जल रही है उसमें अगर आप फ्यूल को ऐड करोगे, यानी जैसे मानो कहीं पर फायर जल रहा है, अब आप उसमें यदि तेल या फिर कोई ऑयल डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आग भड़केगी ना। तो यानी इसका मतलब हो गया भड़कना, ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। तो भड़कने को क्या बोलते हैं, इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़कना। जैसे अगर आप आग के अंदर, फायर के अंदर अगर आप ऑयल डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, भड़क जाएगी। अच्छा देखो, एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब होता है जैसे किसी इंसान को प्रेरित करना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, RBI के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, तो वो तो एग्जॉर्ट हो जाएगा। एग्जॉर्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, और ये एग्जर्ट है, तो एग्जर्ट जो होता है इसका मतलब होता है ट्राई करना, यानी प्रयास करना, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा इनसाइट, एक्साइट आपको पता ही है। तो एड फ्यूल टू द फ्लेम, यानी आग में आप तेल डालोगे तो वो भड़क जाएगी, और भड़कने को बोलते हैं इनसाइट। नेक्स्ट देखिए, टेक केयर लीस्ट यू विल फॉल, अपना ध्यान रखो अदरवाइज तुम गिर जाओगे। अब आप हमेशा याद रखें कि जो ये होता है ना लीस्ट, LEST, इसके बाद जो आएगा ना वो सेंटेंस हमेशा शुड वाला आएगा, यानी ये आप हमेशा याद रखो, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसके जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो शुड में होता है। तो शुड वाला इनमें कौन सा है, ऑप्शन सी के अंदर। तो ये हो जाएगा टेक केयर लीस्ट यू शुड फॉल, हमेशा याद रखो, कम से कम नहीं तो ये 3 से 4 एग्जाम्स मैं देख चुका हूँ ऐसे। तो ये लिस्ट का मतलब हो जाएगा यू शुड फॉल। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें ABCD में आपको स्पेलिंग बतानी थी कौन सी सही है, तो इसमें आप एक बार रीड कर लीजिए, देखो आइडिया लग ही जाएगा। चलो, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही स्पेलिंग है, बाकी देखो ये सब गलत है। एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा करना। जैसे मान लीजिए आपका घर इतना है, अब आपके घर के सामने जो रोड है, रोड आपके घर से ऊंची हो चुकी है, तो आप अपने घर को ऊंचा करोगे ना, तो वो हो जाता है एलिवेट, तभी तो उसे बोलते हैं एलिवेटर, ऊंचा करने वाले को, इस तरह से एलिवेट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है यू कैन नॉट डू दिस वर्क, इसका पैसिव आपको बनाने को आया था, तो पैसिव इसका बहुत ईजी है,
सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि ये जो वर्ब होती है ना, वर्ब का मतलब होता है जिस चीज़ के अंदर ना आ जाए वो वर्ब होती है। सर कैसे? देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि टेक है ना, और देखो ईट, और हो गया मीट। अब इन सब के पीछे आएगा, जैसे टेक मतलब क्या होता है? लेना, ईट मतलब खाना, और मीट का मतलब हो गया मिलना। अब इन सब के पीछे ना आ रहा है ना, तो बस ऐसे याद रखा करो कि वर्ब उसे बोलते हैं जिसके पीछे ना आ जाए। अब इसमें ना किस में आ रहा है? डू यानी करना, इसमें ना आ रहा है ना, तो यानी ये वर्ब है। और वर्ब के जो बाद आता है ना उसको पहले ले लीजिए आप पैसे बनाते टाइम पर, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस वर्क को जब आप आगे लाओगे तो ये हो जाएगा दिस वर्क हुआ। अब ये जो मॉडल आता है इसमें मॉडल को हम सिर्फ बी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कैन। नॉट आ रहा है तो पहले आप नॉट को ऐड किए फिर लिखिए बी, है ना, तो ये हो जाएगा दिस वर्क कैन नॉट बी। अब डू की थर्ड फॉर्म डन हो गया। अब क्या बचा? देखो ये सब हमने लिख ही लिया है, अब क्या बचा? यू, तो यू को जब आप पीछे लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई यू। देखो बहुत ईजी आता है, आप हम लोग बहुत पढ़ते कुछ है, यानी तैयारी तो हम बहुत हार्ड करते हैं लेकिन एग्ज़ाम उतना अच्छे लेवल से नहीं आता इतना। अब देखिए आरबीआई का 10th स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम हो रहा है, तो डेफिनेटली अब जाहिर सी बात है कि इतना हाई फाई लेवल तो आएगा नहीं, नॉर्मल लेवल आएगा। तो उसकी बस ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ जाए ये तो कहना एकदम गलत होगा आप, लेकिन हाँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा, तो उसको आप देख लीजिए कैसे सर बता रहे हैं। अच्छा देखो इसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाने के लिए आया था, इसमें आपको हमेशा याद रखना, ये कम से कम 3 से 4 एग्जाम में मैं देख चुका हूँ कि यू यू वाला आता है ना, तो उसमें क्या होता है? यहाँ सैड आता है सिर्फ, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा होता है कि ही सैड यू, अब यू आता है फिर आगे कुछ भी लिखा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सैड लिख रहा है ना, तो अब आप अपने दिमाग में ना सीधे सीधे यहाँ पर लिख लिया करो टू मी ऐसे लिख लिया करो, तो ये हो जाएगा ही सैड टू मी यू लिव इन बिहार। अब आप इसे आराम से कर देंगे, टू मी लिख लिया करो, अगर सेड के बाद कुछ नहीं दे रखा और यहाँ पर यू आ रहा है तो यू जो होता है पड़ोसी के पास जाता है चेंज होने के लिए, तो हमें क्या करना होता है? टू मी आप लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से कुछ भी लिख लीजिए। तो बस करिए आप इसे ही। अब देखिए सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल है, तो ये हो जाएगा टोल्ड में। आगे क्या आ रहा है? मी, तो मैंने मी लिखा। अब हम आगे सेंटेंस को यू वाले को जोड़ेंगे तो सिंपल में क्या लगाएंगे? दैट, दैट लग गया। अब यू के आगे क्या आ रहा है? देखो पड़ोस में मी आ रहा है ना, तो मी किस में जाएगा? आई के अंदर। ये प्रेजेंट इंटरप्रेट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाएगी? सेकंड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लिव्ड। किस में रहता वो? इन बिहार, तो आप यहाँ लिख दीजिए इन बिहार। क्लियर है ना? अच्छा, गाइज देखो इसके पीछे का मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ। एक्चुअल में अगर एक बार समझिया करो आप, जब भी कभी छोटा प्लेस आता है ना, और एक बड़ा प्लेस आ रहा है। अब आपको पता है जैसे आपने छोटे प्लेस में कहा, किसी कॉलोनी का नाम ले लिया, आपने बोला कि मैं कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई लिव इन, है ना। अब मैं शब्द आ रहा है ना, इसलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप इन लगाते हो यानी इन कृष्णा कॉलोनी। तो दोस्तों ये गलत होता है, क्योंकि जब भी कभी छोटी चीज़ का नाम आए ना तो उससे पहले इन नहीं, वहाँ पर आप एट यूज़ करिए, राइट ना। और बड़ी चीज़ आए जैसे आपने कहा मैं जयपुर में रहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जयपुर, तो वो ठीक हो जाएगा बड़ी चीज़ के लिए। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में एक छोटा आ रहा है और एक बड़ा आ रहा है, तो बस वही रूल, छोटा के पहले आप एट लगाइए और बड़ा से पहले आप इन लगाइए। जैसे अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये आपको साउंड है यानी हॉर्स की जो साउंड होती है घोड़ों की, वो कौन सी साउंड होती है? अब आपको ये बताना है, अब आप सोच लीजिए। देखिए ये एक्चुअल में ये प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाली साउंड सिंगुलर होगी, तो मैं आपको बताऊंगा हॉर्स की जो साउंड होती है वो ने होती है, यानी NEIGH, दोनों में आ रहा है, यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं। म्यू ये तो बिल्ली की होती है, हिस ये स्नेक की होती है, शार्प की, तो ये तो नहीं हो सकती। अब नेज आएगा या फिर ने आएगा? देखो अगर यहाँ पर एस आ रहा है तो आगे एस नहीं आएगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।